हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी, आज का टॉपिक बहुत मज़े का है, उन लड़कियों के लिए जिनको काशिश के प्रोडक्ट्स और काशिश का मेकअप बहुत पसंद है, इंक्लूडेड मी। आई एम द बिग फैन ऑफ काशिश। तो आज का जो व्लॉग है उन लड़कियों के लिए है भाई, जिनको बहुत काशिश का मेकअप पसंद है। तो मैं आप लोगों के साथ रिव्यू करने वाली हूँ काशिश का प्लेटिनम बॉक्स, ब्राइडल बॉक्स, ठीक है? तो जो चीज़ें मुझे अच्छी लगेंगी मैं आपको बता दूंगी, जो चीज़ें मुझे नहीं अच्छी लगेंगी मैं आपको ये भी बता दूंगी कि ये वर्थ है और ये वर्थ नहीं है, ठीक है? तो नेक्स्ट जी आ जाता है जो कि इसकी प्राइस क्या। ये आपको मिलता है 45,000 का और विद डिलीवरी ये आपको मिलता है 46,000 का, ठीक है जी? ये तो हो गई इसकी जी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी शेप कैसी होती है, ये किस तरह आप तक पहुँचता है। तो जी, इस बॉक्स में ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह के बॉक्स में आपके पास आता है। कलर मैटर नहीं करता, कोई भी हो सकता है क्योंकि उनके पास हमेशा आउट ऑफ स्टॉक रहती हैं चीज़ें। तो ये बॉक्स का कलर मैटर नहीं करता, मैं आपको दोबारा बता रही हूँ जी। तो मैंने सारी चीज़ें खोल के अपने पास रख ली हैं एक एक चीज़ करके, क्योंकि वीडियो इस तरह बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं हर चीज़ खोलने बैठी। तो आउटसाइड मैंने आपको दिखा दी है, उसका बॉक्स मैंने आपको दिखा दिया है। अब इनसाइड उसके अंदर हमें कौन कौन सी प्रोडक्ट्स मिलती हैं अब मैं आपको वो दिखाने वाली हूँ एक एक करके जी। तो काशिश में जो सबसे पहले हमारे पास आते हैं वो जी ये ब्रशेस हैं, ठीक है? और ये 14 ब्रशेस का सेट है, आप देख सकते हैं। आपको हर ब्रश इस तरह की पैकिंग में मिलता है, बाकी के ब्रश मैंने यूज़ किए हैं इसलिए उनकी पैकिंग ख़राब कर दी मैंने। और ये देखें आप, इसकी सॉफ्टनेस चेक करें, ठीक है? आपको नज़र आ रहा होगा, लुक लाइक बहुत सॉफ्ट है ये, 100% आपको रिकमेंडेड है, मुझे बहुत पसंद आए हैं, ठीक है? तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं काशिश की 45,000 वाले बॉक्स में हमें मिलती हैं ये 3 पैलेट्स, जिसमें पहली पैलेट आती है हमारे पास काशिश की रूबी की, ये आप देख सकते हैं। दूसरी पैलेट हमारे पास आती है मखमल, इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरीके से है। तीसरी पैलेट आती है हमारे पास जैस्मिन, और ये भी बाहर से पॉलीथीन इसको चढ़ा हुआ है, प्रॉपर पैक है। इन तीनों का रिव्यू मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर पैलेट्स ओपन करके करने वाली हूँ। और अगर आपने देखना है तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियोस में बने रहिए और इन पैलेट का रिव्यू चेक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आती है काशिश की ये 2 लैशेज, एक ब्राइडल है एक जैस्मिन लैशेज है, ये हमें 45,000 वाले में मिलती हैं। जो ब्राइडल हैं, ब्राइडल एक तरह से दोनों यूज़ हो सकती हैं, आप ये देखें ये कितनी खूबसूरत लैशेज हैं अगर आपको नज़र आ रहा हो तो, और जैस्मिन उससे भी ज़्यादा प्यारी लैशेज हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है ये 5 लिप ग्लोसेस, आपको टोटल 10 मिलते हैं, 5 बुलेट्स मिलती हैं और 5 ग्लॉस मिलते हैं। मुझे ग्लॉसेज में लोटस, फंकी ट्रीट, पिंक इट ग्लैड और डेजी कलर मिला है, आपको वो कोई भी भेज सकते हैं। हाँ, लेकिन ब्राइडल के लिहाज से ये लोग आपको बहुत अच्छे कलर्स भेजते हैं, हर कलर जो होता है वो। ये देखिए मैंने काफ़ी हद तक इसको यूज़ भी कर लिया है और यूज़ करके ही आपको रिव्यू दे रही हूँ। आप इसका ये देखिए टेक्सचर देख सकते हैं, इतना ग्लोसी ग्लोई, और मैं कहती हूँ बहुत खूबसूरत टेक्सचर है, इतना सॉफ्ट टेक्सचर है, और ये जल्दी आपके क्या कहते हैं लिप से जाता भी कहीं पर भी नहीं है। आप इसे आराम से आप कहते हैं, मैं कहती हूँ अगर आप इसे अपनी लिप्स को कुछ इतना ना करें ना तो आपकी आउटलाइन उतर सकती है, लेकिन 24 आवर्स ये नहीं उतर सकता। और नेक्स्ट आती हैं हमारे पास 5 बुलेट्स, बुलेट्स की शेप कुछ आपको इस तरह की मिलेगी, ये आप देख सकते हैं, और कलर्स उनके यहाँ पे होते हैं लो, तो आप ये देख सकते हैं। ब्राइडल के लिहाज से ये कलर्स बहुत अच्छे हैं, जो न्यू ब्राइड्स होती हैं और जो अपने लिए ब्राइडल ये बॉक्स लेती हैं प्लेटिनम का, उनके पास ये 5 लिपस्टिक्स आएंगी बुलेट्स में और 5 उनको ग्लॉस मिलेंगे, मीन्स टोटल 10। और इसका भी मैं आपको टेक्सचर चेक करवा देती हूँ एक का जी, ये आप देख सकते हैं, कलर देख सकते हैं आप, पैकेजिंग देख सकते हैं। और मुझे इसकी एक और चीज़ बहुत पसंद आई है जो कि ये है, ये मैग्नेटिक है, आप इसको आराम से बंद और खोल सकते हैं। पैकेजिंग काशिश की बहुत अच्छी लगी है मुझे सारी जी। तो नेक्स्ट हमारे पास है ये मस्कारा काशिश का, मैंने इस टाइम आँखों पर लगाया भी हुआ है अगर आप देख सकते हो तो, ठीक है? बहुत अच्छा है, बहुत बारीक, आपकी एक एक लैश को, या आप देखें एक एक लैश को अलग अलग करके इसको खड़ा करता है, बहुत अच्छी। तो नेक्स्ट हमारे पास आती है वी फेस कंटोरिंग किट, जो कि बाहर से कुछ इस तरीके की है और अंदर इसके सिर्फ 2 कलर्स होते हैं, एक डार्क और एक लाइट।
ये दोनों कलर्स आपके फेस को वी शेप देने के लिए काफ़ी हैं और ये दोनों कलर्स बहुत पिगमेंटेड, बहुत इजीली लग जाते हैं अगर आप इसे प्रोफेशनली भी यूज़ करें और अनप्रोफेशनली भी यूज़ करें, इसको सही तरीके से यूज़ करें, ठीक है। तो जी नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं काशिश की लिविंग डॉल। लिविंग डॉल में मुझे काशिश ने हाइलाइटर भेजे हैं जबकि इसकी जगह पे ब्लश ऑन्स थे वहाँ पे, लेकिन ये अब किट नंबर 001 है जो कि प्रॉपर हाइलाइटर्स की है, ये आप देख सकते हैं। दिस वन इज पिंक, लाइट पिंक कलर एंड दिस वन इज पीची गोल्डन सिल्वर, ये सिल्वर है, ये डल गोल्ड है और ये डस्टी सिल्वर का, ठीक है। तो जी इसके अंदर ये वाले कलर मिले हैं, मैं आपको इसका हाईलाइटर यूज़ करके दिखा देती हूँ। मैंने लिया है बेबी पिंक कलर का और ये देखिए आप, ये काशिश का हाइलाइटर है, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो बहुत पिगमेंटेड है, बहुत इजीली लग जाता है और बिल्कुल कुछ हाइलाइटर होते हैं कि अगर आप लगा लेना तो बिल्कुल ऊपर ऊपर रहते हैं, ऊपर ऊपर रहने से मुराद के आपके फेस पे ऐसे लगता है पसीना आया हुआ है, लेकिन ये हाइलाइटर वैसे नहीं है, आपके फेस पे प्रॉपर बैठ जाते हैं और बहुत खूबसूरत। हमारे पास आ जाता है ये लैश कर्लर, मतलब 45,000 वाले के अंदर आपके पास एक प्रॉपर मेकअप रेंज अवेलेबल है, आपको किसी चीज़ की ये नहीं होता कि आपके पास किसी चीज़ की कमी आ जाती है, ठीक है। तो ये जी सेटिंग स्प्रे, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये जी सेटिंग स्प्रे आपने रेडी शेडी होकर सिर्फ एक इसकी ये देखें करनी है और उसके बाद इसे खुशक करना है और जहाँ आपने जाना है आप जा सकते हैं। काशिश इसमें आपको ये वाला लाइनर देते हैं बिल्कुल छोटा सा, जबकि मेरी जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि 45,000 के बॉक्स में एटलीस्ट दूसरे जेल लाइनर होने चाहिए। इन्होंने वीडियो में जेल लाइनर दिखाए हैं लेकिन इन्होंने भेजे नहीं, ना ब्लैक और ना ब्राउन, सिर्फ ये एक लाइनर आया है जो कि मुझे बहुत डिसअपॉइंटेड लगा, लेकिन बस सही है ये लाइनर कह लो, बाकी आपको मैं चेक करवा देती हूँ। जो जेल लाइनर है फिर वो जेल लाइनर है, ठीक है ये लाइनर अच्छा है, बट जो लोग फिर जेल लाइनर चाहती हैं वो इससे नहीं आती। और नेक्स्ट जी हमारे पास काशिश का आई ग्लोइंग शिमर है शेड नंबर 3 जो कि काशिश कर यूज़ करते हैं, ये आप देख सकते हैं कलर, मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ये इनका आई ग्लोइंग शिमर है, बहुत अच्छा है, बहुत पिगमेंटेड है, बहुत अच्छा है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास हमें 45,000 वाले में मेट आई शेडो मिलते हैं, दो कलर्स ही आपको वो कोई भी कलर सेंड कर सकते हैं, जबकि मेरी उनको ये एडवाइस है कि जो ब्राइडल बॉक्स है, जाहिर है एक 45,000 एक छोटी अमाउंट नहीं होती, ठीक है, उनके उसके अंदर वो आपको उन्हें ऑप्शन देनी चाहिए कि आप अपनी मर्जी से अपने फाउंडेशन के कलर्स, अपने आई शेडो, आई जो भी है ये मेट आई शेडो और ग्लिटर्स एंड लिपस्टिक्स के कलर्स वो हमें चूज़ करने की ऑप्शन दें, क्यों, क्योंकि आपने भेजने तो हैं, ठीक है, दो तो आपने कोई से भी भेजने हैं, तो हमें इन चीज़ों में सिलेक्शन की ऑप्शन आनी चाहिए। तो इन्होंने भेजे हैं जी हमें ये ब्राउन एंड दिस वन इज़ ऑरेंज नंबर 33। नो डाउट इसके ये शेड्स बहुत अच्छे हैं, बहुत वेलवेटी लुक देते हैं, मैं आपको इसकी पिगमेंटेशन भी दिखा देती हूँ जी। तो ये इसकी पिगमेंटेशन है और ये ऑरेंज वाले की पिगमेंटेशन है, ये अभी सिर्फ लाइटली किए हैं, आप दूर से भी आपके कलर्स नज़र आएंगे और पास से भी ये कलर्स नज़र आएंगे, तो नो डाउट ये कलर्स बहुत अच्छे हैं। अच्छा जी उससे नेक्स्ट हमारे पास जी ये दो हमें आई ग्लोइंग कौन से जी मैजिक क्वीन शिमर है उनके लिए, दिस वन काशिश सिग्नेचर, ये कोई मेहंदी गोल्डन सा शेड है और ये जो है ये अगर कोई प्रोफेशनल काम कर रहा है तो ये उसके यूज़ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, लेकिन ये दोनों कलर इनकी जो टेक्सचर है लगने का वो बहुत स्मूथ है, आई को बहुत अच्छा ये कलर देते हैं और ग्लो और शिमरी शिमरी सा ना, तो वो लुक इससे आती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है हमारी फाउंडेशन, हमारे इसके अंदर अवेलेबल है कि नहीं है जी। फाउंडेशन में हमें ये लोग तीन चीज़ें सेंड करते हैं, एक हमें ये करते हैं हाई डेफिनेशन लिक्विड फाउंडेशन, दूसरी हमें ये स्टिक सेंड करते हैं एंड थर्ड वन इज़ इवन टोन हाई कवरेज फाउंडेशन। तो ये तीनों फाउंडेशन आपके फेस को बहुत अच्छा लुक देती हैं। सबसे पहले मैं आपको जी तो ये इसकी कवरेज है हाई टोन इवन फाउंडेशन की और ये मेरी नॉर्मल कलाई है और ये कवरेज वाली है। इस इवन टोन की कवरेज बहुत पसंद आई है और ये मैं काफ़ी हद तक इस्तेमाल भी कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं इसका मैंने क्या हाल किया है और इसको दोबारा मंगवाने भी। नेक्स्ट स्टिक है, स्टिक भी इनकी बहुत अच्छी है, ये आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी यूज़ कर ली है, इसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा है, ये देखिए ये आपके इन चीज़ों को फ़ौरन कवर करती है, जैसे कि इसने ब्लैक लाइनर को कवर कर लिया, ठीक है। तो ये भी रिकमेंडेड है, जो फाउंडेशन में मिलती है वो हाई डेफिनेशन लिक्विड फाउंडेशन है। चीज़ें कि आप इन चीज़ों को ना ये देखें जी, इसकी कवरेज कुछ इस तरीके की है, लिक्विड फाउंडेशन की कवरेज कुछ इस तरीके की है, ये
लिक्विड फाउंडेशन है और ये मेरी कलाई है। दोनों के अंदर आप डिफरेंस चेक कर सकते हैं, बहुत नेचुरल लुक देती है, बिल्कुल पता नहीं लगता। इसके भी मैं ये कहूँगी कि काशिश को इन दोनों में, बल्कि इन तीनों के कलर्स में आपको ऑप्शन देनी चाहिए। हर एक की कलर टोन एक जैसी नहीं होती, हर एक का टोन ब्राइट नहीं होता कि वो ये यूज़ कर सके। कुछ की डार्क चाहिए होती है, कुछ को एक डार्क और एक लाइट चाहिए होती है। अगर वो इस चीज़ का ख्याल रख लें तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, अगर ना रखें तो फिर हम क्या कर सकते हैं। मैंने तो आपको रिव्यू ही देना है और रिव्यू में भी जो चीज़ अच्छी लगेगी वो आपको बताऊंगी और जो मुझे इसके अंदर कमियां नजर आएंगी मैं वो भी आप लोगों को साथ साथ बताऊंगी। तो नेक्स्ट हमारे पास ये HD हाई डेफिनेशन एक्साइलर है और साथ हमारे पास आई शेडो बेस है। ये आई शेडो बेस आपको अपनी फाउंडेशन आई पे अप्लाई करने से पहले इसको यूज़ करना पड़ता है, उसके बाद उसके ऊपर आप बेस लगाएं, शेडो लगाएं, शिमर लगाएं, जो मर्जी लगाएं, आपकी आई कहीं नहीं जाती, ठीक है। और ये आपके फेस को बहुत अच्छी मॉइस्चराइजिंग देता है और ये भी रिकमेंडेड है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ये काशिश का लूज फाउंडेशन शेड नंबर 3 लूज पाउडर हाई डेफिनेशन, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा है, आपकी फेस को बहुत अच्छी लुक देता है, मेट फिनिशिंग देता है, पसीना आपके फेस से ख़त्म करता है और आपकी बेस बिठा देता है। जो आपकी बेस में क्रैक्स आ रहे होते हैं, पोर्स निकल रहे होते हैं, ये उनके लिए है और बहुत अच्छे। अच्छा हमारे पास जी काशिश का कम्पैक्ट पाउडर शेड नंबर 9, ये कुछ पिंकिश शेड में है, ये आप देख सकते हैं ये इस शेड में है और ये भी रिकमेंडेड है, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया पर्सनली। आपको बड़ी पिंकिश बेबी भी लुक दे जी। तो यहाँ पे हमारे पास है नेक्स्ट काशिश का ब्यूटी ब्लेंडर, जो कि बहुत सॉफ्ट है, इजी टू यूज़ है, दोनों तरफ कट्स हैं कि आप अपनी फाउंडेशन को बहुत अच्छे से टैप टैप करके बिठा सकें, ठीक है। सो तो ओवरऑल मुझे काशिश की प्रोडक्ट्स बहुत पसंद आई हैं और अगर मुझे इनका नहीं पसंद आया तो इन्होंने जो मुझे लाइनर भेजा है मुझे इनका वो लाइनर पसंद नहीं आया, दूसरी मुझे इनकी वो ऑप्शन पसंद नहीं आई जो इन्होंने खुद ही लाइक कह लें कि अगर आपने एक 45,000 की अमाउंट का आपने ऑर्डर भेजना है तो आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलती कि आप अपना बेस कलर सेलेक्ट कर सकें, आप अपने जो आई शेडो मेट आई शेडो है उन्हें कलर सेलेक्ट कर सकें, आप लिपस्टिक में कलर सेलेक्ट नहीं कर सकते, आप लिप ग्लॉस में कलर सेलेक्ट नहीं कर सकते, आप शिमर्स में डायमंड शिमर्स में किसी में आप कलर सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो ये कलर सिलेक्शन की ये बहुत बढ़िया कि यार 45,000 की अमाउंट में आपको अपनी मर्जी के शेड्स नहीं मिल रहे। नो डाउट इन्होंने कुछ शेड्स बहुत अच्छे भेजे हैं, कुछ शेड इन्होंने ऐसे भेजे हैं जो मैं यूज़ नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल के जैसे इन्होंने इस बुलेट लिपस्टिक में ये नूड शेड भेजा है, ये बहुत नूड है, आपको फिर भी थोड़ा पिंकिश लग रहा होगा लेकिन ये बहुत नूड है शेड, ये अगर आप कभी कभार मैं यूज़ कर सकती हूँ, अदरवाइज मुझे ऐसे शेड पसंद नहीं है, ठीक है। तो इसके अलावा मैंने सेपरेट और काशिश की एक चीज़ दो चीज़ें मैंने मंगाई है, ये एक विंटेज पैलेट और जी 6 लिपस्टिक्स जो मेट में हैं काशिश की, जो कि कुछ इस तरह से दिखती हैं और ये सारे शेड मुझे पर्सनली बहुत पसंद आए हैं, जिसके अंदर हमारे पास है जी ट्रांसफॉर्मेशन, इंस्पायरेशन, अट्रैक्शन, सेंसेशन, एक्सप्रेशन एंड इम्प्रेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, लुक लाइक दिस। ये मैंने बहुत यूज़ किया हुआ है और ये बहुत पीची है, इसका मैट ग्लोज बहुत अच्छा है। ये शेड सारे ही इसके शेड डिफरेंट हैं लेकिन बाहर से ऐसे लगते हैं कि इनके अंदर इतना फ़र्क नहीं है लेकिन इनके अंदर फ़र्क है। लिपस्टिक मैंने मंगवाई थी जी 2,000 रुपीज़ की और ये किट मंगवाई थी जी मैंने 2,500 की और 500 मुझे इनके डिलीवरी चार्जेस पड़े थे, सो ये 5,000 का ये सिर्फ है, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं जी इसके अंदर कुछ इस तरह से कलर आते हैं और इसकी भी पिगमेंटेशन मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। सी दीज कलर, इसकी पिगमेंटेशन आप चेक करें, ये देखें। अच्छा, अब ये आखिरी हमारा इख्तिताम हो चुका है, मैंने आपको सारी चीज़ें अपनी दिखा दी हैं जो कि एक प्लेटिनम बॉक्स में काशिश हमें प्रोवाइड करता है। काशिश हमें ब्रशेस प्रोवाइड करता है कि हमारे पास ब्रशेस होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें वो फाउंडेशन में चार चीज़ें देता है, 3 हमें 2 लिक्विड फाउंडेशन, 1 स्टिक और 1 हमें कम्पैक्ट पाउडर, और उसके साथ हमें लूज पाउडर भी मिल जाता है। इसके अलावा हमें अपने फाउंडेशन में किसी और चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट आ जाती है जी कंटोरिंग, वो भी इसके अंदर है। और फिर आ जाती है जी आपने जब अपना आई मेकअप करना होता है, आई मेकअप के लिए आपके पास 3 पैलेट्स हैं और तीनों में बहुत अच्छे कलर्स हैं, ठीक है। आपकी वो भी हो गई जी लैशेज, तो वो भी आपको मिल जाती हैं, आई शेडो बेस आपको मिल जाती है, एक्साइलर आपको एज अ मॉइस्चराइजर मिल जाता है, ठीक है। तो बुलेट्स और लिप ग्लॉस भी आपको 10 मिल जाते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा पैकेज है 45,000 में काशिश का, ठीक है। तो अब मैं आपको लास्ट में एक और ये बात बता दूँ कि जो ये वाली किट है विंटेज काशिश की, विंटेज ले लें आप या जैस्मिन ले लें, दोनों ही जो मरियम परवेज ने ब्रांड अपना लॉन्च किया है बाउंटी का, जो पैलेट उन्होंने अपनी निकाली है 4,000 रुपीज़ की, ये 2,500 में उससे मच बेटर है। मैं इन चीज़ों का रिव्यू करने वाली हूँ और ठीक है, तो मैं आपको बताऊँगी कि ये किस लिहाज से काशिश की जो पैलेट है वो मरियम परवेज की जो पैलेट से कदरे बेहतर है, ठीक है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक बने रहिए।